पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, वास्तु टिप्स कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आचार्य धनंजय और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सरसों के तेल में लौंग डाल करके दीपक जलाने का क्या प्रयोजन है और वास्तु दोषों को कैसे ये नाश करता है, वास्तु दोषों को कैसे ये दूर करता है, आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैंने भी अपने अनुभव में देखा है, कई ऐसे स्थान होते हैं जहां पर नकारात्मकता व्याप्त होती है और वास्तु के जो उपाय होते हैं कहीं कहीं पर जटिलता से युक्त होते हैं। कुछ ऐसे गृह निर्माण मैंने देखे कि जहां तोड़फोड़ संभव नहीं था, जहां किसी प्रकार से कोई संशोधन संभव नहीं था और दूसरा वृद्ध लोग हैं, घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है, वो लोग मंत्रों का उच्चारण करने में भी समर्थवान नहीं है कि उन्हें मैं कह दूं कि ये मंत्र आप जपते रहिए तो इससे आपका भला होगा, वो नहीं कर सकते थे, सक्षम नहीं थे, उस प्रक्रिया का पालन करने की भी स्थिति उनकी नहीं थी, बहुत अधिक खर्चीली प्रक्रिया को भी वो लोग नहीं कर सकते थे। तो सबसे सरल उपाय क्या था? सबसे सरल उपाय हम लोग वास्तु पुरुष के लिए जो अपनाते हैं, शनि राहु या नकारात्मकता को दूर भगाने के लिए जो अपनाते हैं, सरसों के तेल में लौंग डाल दीजिए और उससे बने दीपक का प्रयोग संध्या के समय करिए, विशेष रूप से शनिवार के दिन इस विधि का पालन करिए। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है घर में उससे आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। ये छोटी सी विधि, ये प्राचीन काल से चली आ रही है और जब जब हमने देखा गृह स्वामी की जन्म कुंडली में दोष होता है, क्योंकि बिना दोष के तो इस प्रकार का निवास स्थान भी उपलब्ध नहीं होगा। और मैंने देखा है कि जब शनि का प्रकोप हो जाए, मंगल का प्रकोप हो जाए, राहु केतु की स्थिति खराब हो जाए और गोचर भी आपके समर्थन में ना हो तो चाह करके भी जातक उपाय नहीं कर पाता है। वो चाहे भी कि इसका कोई उपाय मिल जाए, कोई विद्वान व्यक्ति मिल जाए जो मुझे छुटकारा दिला दे, हो नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? फिर सबसे सरलतम विधि अपनानी चाहिए, जो कुछ भी आपसे हो पाए, पूजा हो पाए, पाठ हो पाए, जाप हो पाए, हवन हो पाए, दान हो पाए, जो कुछ भी आपसे हो पाए, ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि सारी विधियों को अपना लीजिए, जो कुछ भी आपसे संभव हो जाए, कुछ ना हो पाए तो प्रार्थना ही कर लीजिए। प्रार्थना अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है। आशीर्वाद ही ले लीजिए किसी योग्य व्यक्ति का, वही अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है। और ये जो प्रक्रिया आदि काल से, प्राचीन काल से चलती चली आ रही है, सरसों के तेल में लौंग डाल करके दीपक जलाना समस्त वास्तु के दोषों को नष्ट करता है। जितनी भी नकारात्मकता घर में व्याप्त होती है, आदि व्याधि, पीड़ा, भय, चिंता, परेशानियां, कलह और धन की स्थिति में निर्बलता, ऐसे घरों में मैंने देखा है हमेशा कलह का वास रहता है, नकारात्मकता व्याप्त रहती है, आपस में ही लोग बिना किसी कारण के झगड़ा फसाद करते रहते, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते, सदैव किसी न किसी बात पर अनबन बनी रहती और हमेशा उस घर का जो मुख्य व्यक्ति होता है, जो गृह स्वामी होता है, उसका स्वास्थ्य भी पीड़ित रहता है। और ये छोटा सा उपाय है, मिट्टी के दीपक पे आपको इस विधि को करना है, संध्या के समय करना है और निश्चित रूप से वास्तु से संबंधित समस्त दोषों का ये छोटा सा उपाय नाश करता है। आज के वास्तु टिप्स कार्यक्रम में बस इतना ही, आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। नमस्कार। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।